अस्सलाम वालेकुम। आज का ये व्लॉग बहुत ही ज़्यादा ठंडा होने वाला है, और ठंडा इसलिए क्योंकि आज मैं एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ एबटाबाद की सबसे ठंडी जगह ठंडियानी को, जो कि एबटाबाद का एक बहुत ही बेहतरीन पिकनिक स्पॉट है। दिस इज छंडियानी टॉप। यहाँ का व्यू और यहाँ का मौसम दोनों बहुत ही कमाल के हैं। फ्रेश एयर के साथ हर तरफ लश ग्रीनरी है। मैं बिल्कुल टॉप के ऊपर नहीं खड़ा हुआ, टॉप से थोड़ा सा मैं लेफ्ट साइड पर हूँ, क्योंकि टॉप के ऊपर पाकिस्तान एयरफोर्स का बेस कैंप है और वहाँ फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है। जब आप छंडियानी विजिट करते हैं तो तीन ऐसे स्पॉट हैं जो बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं। एक बिल्कुल शुरू में ही आबशार आती है, उसको क्रॉस कर गया हूँ, लेकिन वीडियो के एंड में उसका ट्रैक भी आपके साथ शेयर करूँगा। और उसके बाद केपीके गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पर कुछ कैंपिंग पॉट्स लगाए गए हैं, वो भी बहुत ही प्यारी जगह है। और फिर इन सब से हट कर यहाँ पर कुछ स्टेयर्स हैं जहाँ पर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी बहुत ही ज़बरदस्त की जाती है। एट दी एंड हम उन स्टेयर्स पर भी जाएंगे। ठंडियानी में बहुत ही अच्छे गेस्ट हाउस अवेलेबल है और बहुत ही अच्छे बने हुए हैं, लेकिन फिर भी ठंडियानी की जो मेन अट्रैक्शन है वो यहाँ के कैंपिंग पॉट्स हैं, जो कि टूरिज्म कॉरपोरेशन खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से यहाँ पर लगाए गए हैं। इनकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ही ज़बरदस्त है, नीट एंड क्लीन है। हर एक पॉट के साथ सेपरेट वाशरूम भी है, और इलेक्ट्रिसिटी के लिए हर कैंपिंग पॉट के ऊपर सोलर सिस्टम भी लगा हुआ है। आपको करीब से जाके विजिट कराता हूँ कि ये कैंपिंग पॉट्स कैसे हैं। जी ये है कैंपिंग पॉड अंदर से, 4 बेड कैंपिंग पॉड है, 2 बेड इस साइड पे लगे हुए हैं और 2 बेड इस साइड पर, और दोनों बेड्स के बिल्कुल दरमियान में साइड टेबल भी है। इलेक्ट्रिसिटी भी यहाँ पर मौजूद है, और सबसे बढ़कर इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो बहुत ही प्यारी है, बहुत ही नीट एंड क्लीन है। हर एक कैंपिंग पॉट के साथ इस तरह का वॉशरूम है, और ये भी बहुत ही नीट एंड क्लीन बना हुआ है। वॉश बेसन भी है इसमें, इंग्लिश सीट्स भी है, शावर भी है, और लाइट भी है, और पानी भी यहाँ पर बहुत है। ये सेकंड पोर्शन है कैंपिंग पॉट्स का, और इससे ऊपर वाला जो पोर्शन था उसमें 3 कैंपिंग पॉट्स हैं, और वो तीनों के तीनों 4 बेड हैं। और ये जो नीचे वाला कैंपिंग पॉट है, यहाँ पर 8 कैंपिंग पॉट्स लगाए गए हैं, और ये 8 के 8 2 बेड्स हैं। बिल्ड क्वालिटी दोनों की सेम ही है, दोनों बहुत ही अच्छे बिल्ड किए गए हैं, दोनों के साथ अटैच बाथरूम है, और दोनों के व्यूज़ भी कमाल के हैं, और ठंडी ठंडी हवा भी यहाँ बड़े मज़े की चल रही है, और ठंड भी लग रही है। एक बात अगर मैं यहाँ पर शेयर ना करूँ तो आई थिंक बहुत बड़ी ज़्यादती होगी, यहाँ का जो स्टाफ है वो भी बहुत ही अच्छा और बहुत ही पोलाइट है। बुकिंग की जहाँ तक बात है, ऑन द स्पॉट इनकी बुकिंग्स नहीं होती है, आपको वेबसाइट के थ्रू इनकी बुकिंग कंफर्म करके फिर यहाँ पर आना होगा। भाई अभी जाकर ठंड फील हो रही है, और बहुत ही ठंडी ठंडी हवा चल रही है। ये जिस ट्रैक के ऊपर अभी मैं जा रहा हूँ, ये स्टेयर्स की तरफ ट्रैक जाता है,
जैसे ही हम ठंडियानी बाज़ार को क्रॉस करके थोड़ा सा ही आगे आते हैं तो पक्का रोड ख़त्म हो जाता है और वहाँ से कच्चा ट्रैक शुरू होता है, जो लेफ्ट साइड के ऊपर ट्रैक आता है वो है इन स्टेयर्स की तरफ। ट्रैक तो बहुत ही खूबसूरत है और लोकल्स के कहने के मुताबिक 5 मिनट का ये ट्रैक है, लेकिन मुझे पता है कि कम अज़ कम यहाँ पर मेरे 15 मिनट ज़रूर लगने वाले हैं इस ट्रैक के ऊपर। पहली बार यहाँ के लोकल्स ने सच बोला है कि आपके 5 मिनट लगेंगे। मैं तो समझ रहा था कि मैक्सिमम 15 मिनट तक लगेंगे, लेकिन 5 मिनट में इन स्टेयर्स के ऊपर पहुँच आए हैं। बैक साइड के ऊपर आपको स्टेयर्स नज़र भी आ रही है, बहुत ही पुरसकून जगह है और ये अप्रॉक्सीमेटली 100 के करीब या ज़्यादा है उससे ये स्टेयर्स। मैंने सारी स्टेयर्स विजिट नहीं करनी है, बस यहाँ पर आपको दिखाने के लिए आया हूँ, थोड़ा सा ऊपर जाके फिर वापस आऊँगा। लेकिन एक बात है, जगह कमाल की है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ठंडियानी वाटरफॉल। मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि ठंडियानी वाटरफॉल का ट्रैक भी आपके साथ शेयर करूंगा, तो ये मेरे बैक साइड पे ये जो ट्रैक नीचे जा रहा है ये ठंडियानी वाटरफॉल को जा रहा है। अब ये नीचे जाता कहाँ से है, जिस वक्त हम ठंडियानी के स्टार्ट में ही आते हैं तो एक मस्जिद को क्रॉस करते हैं, उसके साथ ही एक छोटा सा वाटरफॉल है लेफ्ट साइड पर। उस वाटरफॉल को क्रॉस करने के तकरीबन 5 मिनट बाद ये ट्रैक यहाँ से नीचे को जाता है। इसकी एक और निशानी भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। इस ट्रैक के बिल्कुल आगे ही ये एक कच्चा मकान है। इस मकान के अंदर रहता कोई नहीं है, बस एक छोटी सी बिल्डिंग ही बनी हुई है, लकड़ी की है। इससे थोड़ा सा पहले ट्रैक नीचे को जाता है और इस मकान से थोड़ा सा ही आगे कुछ दुकानें हैं, उन दुकानों से पहले ये ट्रैक नीचे वाटरफॉल की तरफ जाता है। और अप्रॉक्सीमेटली 20 मिनट का ये ट्रैक है ये जो नीचे जा रहा है, और उसके बाद फिर ठंडियानी वाटरफॉल आ जाती है। एट दी एंड भाई के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।